सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 के स्टोर के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास ये एरर आ गया है 0x8007042, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने विंडोज 10 की सर्विसेज में जाना है। अब मैं ये सर्विसेज को जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज अपडेट। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं विंडोज अपडेट जो है किस में रन हो रहा है। उसके बाद इस विंडोज अपडेट के ऊपर जो है आपको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टार्टअप टाइप है आपको ऑटोमेटिक रख लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर हम इस विंडोज को जो है क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने विंडोज पीसी में जो है नोटपैड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो कोड है इसको आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये कोड को पेस्ट किया हूँ, तो ये कोड को जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव एज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप मैं अपना इसका लोकेशन जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद इसका जो फाइल नेम है आपको जो है यहाँ पर रीनेम करना है, repair.pat। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज टाइप जो है डॉक्यूमेंट है तो आपको ऑल फाइल रखना है, फिर से आपको यहाँ पर सेव करना है। तो उसके बाद हम इस नोटपैड को जो है क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद इस नोटपैड को जो है आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं रन कमांड में आ गया हूँ ऑटोमेटिकली। उसके बाद ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो फिर आपको अपने पीसी को जो है एक बार रीस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप अपना विंडोज स्टोर ओपन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।